अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे चैनल फ्लेवर रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे आम का पन्ना। उसके लिए हमें सबसे पहले जो ये कच्चा आम हमने देसी आम लिया है खट्टा वाला 4, और एक गड्ढी हमने पुदीना लिया है, एक ये छोटी एक टुकड़ा थोड़ा अदरक का लिया है, ये छोटा सा एक टुकड़ा अदरक का है, और एक चम्मच हमने सौंफ और एक चम्मच ये ज़ीरा लिया है, और एक चम्मच काला नमक और सादा नमक दोनों हमने लिया है, आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं। और ये हमने 4 चम्मच चीनी ली है। इसको हम आप पहले बताते हैं कैसे हमको बनाना है। ये हमने 3 आम को ये कुकर में हमको उबाल लेना है, और एक आम को हम गैस पर भूनेंगे, जैसे हमारे भूनने की खुशबू आ जाए अच्छा सा। अब तो पहले आग पर भूनते थे, हम गैस पर ही भूनेंगे। और इसका ये हमने कुकर में आधा ग्लास पानी डाला है, और 2 सीटी लगाएंगे तेज पर, और फिर कुकर को अपने से ठंडा होने देंगे, अपने से निकल जाए गैस, फिर उसको हम आम को छीलेंगे। और ये आम हम कैसे भूनेंगे, इसमें हम एक कट लगा देंगे, जैसे हमारा आम भूनते वक्त फटे ना। ये देखिए, ऐसे आप एक कट लगा दीजिए अच्छे से। हमने 2 ज़रूरी काम कर लिया, एक हमने गैस पे 3 आम चढ़ा दिए पकने के, और ये 4th आम भून रहे हैं गैस पे, ऐसे आप चाली रख के भून सकते हैं। और उसके अलावा ये हम सौंफ को थोड़े से पानी में भिगा देंगे, जैसे हम पीसेंगे तो खूब अच्छा सा ये इसका पेस्ट, सौंफ बहुत भीगा रहेगा तो बहुत अच्छा पीस जाएगा बीज भी इसका। इसको हम रख देंगे किनारे। अब हम सबसे पहले इस आम को भून लेते हैं। ये देखिए हल्का हल्का भून गया है, ये भून जाएगा तो फिर ठंडा करके इसको हम अच्छे से छील लेंगे। इसको चीरा लगाने से ये होता फायदा है कि आम फटेगा नहीं, नहीं तो आँच पे रखने से फट जाता है, तो उसके छींटे आपके मुंह पे भी पड़ सकती हैं और आपको चोट भी लग सकती है, इसलिए भूनते वक्त इसमें चीरा लगाना ज़रूरी है। ये देखिए हमारा आधा आम पक भुन गया है, और इसकी ये भुना हुआ आम डालने से बहुत ही अच्छा, जैसे आप भी भुना हुआ पन्ना का स्वाद आता है उसी तरह टेस्ट इसका बहुत अच्छा भुना सोंधा सोंधा आएगा। हम देसी जैसे पहले आग पे बनाते थे, हम उसी तरह आपको बनाने बताएंगे। और ये बहुत ही हेल्दी है, आजकल गर्मी के मौसम में हमें अपने घरों में पन्ना बना के रखना चाहिए, और जब जी चाहे गरम गरम। ये देखिए हमारा आम करीब करीब भुन गया, अब हम गैस ऑफ कर देंगे और इस आम को ठंडा होने के लिए रख देंगे, क्योंकि देखिए इससे रस बाहर निकलने लगा है। ये ठंडा हो जाएगा तो इसका हम छिलका निकाल देंगे आराम से। और उसके अलावा अब हम पुदीने को छील लेंगे, बाकी तैयारियां करेंगे। अभी हमारी कुकर ने सीटी भी नहीं दी है, कुकर सीटी दे देगा तो हम बंद करके फिर उसको भी ठंडा होने देंगे, फिर उसके बाद हम बनाएंगे। ये देखिए हमारा आम करीब करीब भुन गया है, अब हम पत्ती पुदीने की तोड़ के रख लेते हैं। एक ज़रूरी काम और करना, ये हम जीरे को हल्का सा, ये हमने फ्राई पैन गैस पे रखा है, हल्का सा भूनेंगे, बस ये हल्का सा गर्म हो जाए तो इसको हम फ्राई पैन से निकाल के रख लेंगे, फिर ठंडा करके इसको पीसेंगे। ये देखिए अभी हमने रखा है हल्का, फ्राई पैन भी गर्म है और इसलिए हम हाथ से भी कर रहे हैं, तो हमें वो जलने की कोई वो चांसेस नहीं है, क्योंकि हमने साथ ही में डाल के रखा है, फ्राई पैन पहले से गर्म नहीं था। अब ये हल्का हल्का भुनने लगा, इसमें हल्की सी खुशबू आ, इसको बहुत रोस्ट नहीं करना है, जलाना नहीं है। अब इसको हम फ्राई पैन से निकाल लेंगे गैस ऑफ करके, ये जैसे हमारा जीरा जल लेना, नहीं तो फ्राई पैन में छोड़ देंगे तो जल जाएगा। ये देखिए आम हमारा ठंडा हो गया है, ये भुना वाला है, इसको हम अच्छे से इसके ये देखिए छिलका निकाल कर इसमें जो गूदा है हम इस चम्मच के मदद से ये निकाल लेंगे अच्छे से। इसी तरह ये गुठली से हम गुठली साफ कर लेंगे और फिर इसको हम पीसेंगे।
और इसी तरह हम उबले हुए आम के भी छिलके निकाल के उसके भी गूदे निकाल लेंगे। देखिए कितने आसानी से निकल रहा है। देखिए मैं गुठली तैयार हो गई है, निकल गया है। इसी तरह हम अगले आम को भी करेंगे, दूसरे आम को। चम्मच से निकालने में ज़्यादा आसानी रहती है। ये देखिए इसमें छिलके में भी है, तो ये हम ऐसे छिलके से भी निकाल लेंगे चम्मच से। ये देखिए ये हमने ये भुने हुए आम का निकाला, देखिए एकदम वाइट है। और ये देखिए हम उबले वाले आम का, ये उबला हुआ आम है, इसका हम अलग से निकाल लेते हैं। ये इसके तीनों आम के अच्छे से इसके निकाल लेंगे, फिर उसके बाद इसको पीसेंगे। हमने सारे आम के गूदे निकाल लिए हैं, देखिए हमने सारे आम के गूदे निकाल लिए हैं। अब हम पीसने का काम करेंगे। हमने जार लिया, इसमें सबसे पहले हम जीरा और ये नमक दोनों डाल के अच्छा सा बारीक पीस लेंगे, फिर हम आपको बताते हैं इसको हम कैसे बनाएंगे। ये देखिए अब ये हमारा जीरा और नमक पीस गया है। अब ये हम सौंफ को छान के इसका पानी निकाल लेंगे और इसी के साथ इसको भी हम पीस लेंगे। फिर से एक बार ग्राइंडर मिक्सी चला लेंगे। ये देखिए पानी निकल गया है। और इसी में हम ये अदरक को थोड़ा बारीक बारीक काट के डालेंगे, जैसे अच्छे से पीस जाए। अगर कहीं रह भी जाता है टुकड़ा तो वो मुंह में आने से कड़वापन ना आए। इसको भी हम कई बार पीसेंगे, अभी इसको पीसेंगे फिर इसमें आम डालकर पीसेंगे। तो ये अगर हम काट के डालेंगे तो आराम से पीस जाएगा, नहीं बड़े पीसेस रहने के चांसेस रह जाते हैं। ये देखिए हमने बारीक बारीक काट लिया है। आप या तो कद्दूकस करके डालिए वो और अच्छा रहेगा। हमने आपको ऐसे देखिए काट के दिखाया। अब इसको हम एक बार फिर से पीसते हैं। ये देखिए हमारे सौंफ और जीरा पीस गया है। अब हम इसमें ये एक आम जो हमने अलग से लिया था इसको डाल के पीसेंगे, क्योंकि छोटा जार है, इसमें सारा आम हम एक साथ नहीं पीसेंगे, नहीं तो अच्छे से नहीं पीस पाएगा और बाहर आने के। इसको हम एक बार अच्छे से मिक्स करके अभी इसको ग्राइंडर को फिर से चला लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा हमारा पेस्ट तैयार होता है, एकदम बिल्कुल बारीक पीसा है। अब इस पेस्ट को हम निकाल के इसमें ये जो तीन आम के अलग से हमने रखे हैं उसको भी चला लेंगे, तो खूब अच्छा पेस्ट बन जाएगा। इसको हम एक बार और चलाते हैं। ये देखिए आम हमारा पीस गया है। अब इसको इसी जार में निकाल लेंगे, अलग से मिक्स कर लेंगे। देखिए अब हम आम पीस चुके हैं, अब हम पुदीना पीसेंगे। ये हम आधा पुदीना इसमें पीसेंगे और आधा हम सादा पीसेंगे। इसके साथ हम चीनी पीसेंगे, क्योंकि मीठा पुदीने के लिए, मतलब मीठा पन्ना के लिए। और हम बिना शुगर वाला भी पन्ना बनाएंगे नमक का, जैसे आप शुगर पेशेंट को पिला सकते हैं। इसमें हल्का सा हम थोड़ा सा एक चम्मच के करीब थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, जैसे कि हम अच्छे से ये आम के इसको मसाला मिक्स कर लेंगे। देखिए अच्छा से ये आम का पेस्ट हमारा तैयार है। ये चीनी और पुदीने का पेस्ट तैयार है। पन्ना बनाने के लिए हमारा सारा सामान रेडी है, तैयार हो गया है। अब हम सबसे पहले ये एक एक चम्मच आम का पेस्ट दोनों ग्लास में डालेंगे। इसे हम एक चम्मच शुगर वाला डालेंगे, आप अपने हिसाब से मीठा है तो कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसमें हम आधा ही चम्मच ही खाली पुदीने का पेस्ट डालेंगे, क्योंकि हम नमकीन बना रहे हैं। अब इसको हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के थोड़ा से पेस्ट को मिला लेंगे, क्योंकि पेस्ट काफ़ी गाढ़ा है, पहले अच्छे से मिला लेंगे। तब इसमें हम आइस क्यूब डालेंगे।
ये देखिए हम बर्फ के टुकड़े डाल रहे हैं, आप अपने हिसाब से दो तीन जितना पसंद है डाल लीजिए। ये एक हम मीठा बना रहे हैं और एक नमकीन। अब हमने बर्फ डाल दिया है, उसके बाद हम ये पानी डाल देंगे और पानी डाल के ये देखिए हमारा पन्ना तैयार हो गया। और एक चीज़ आपको हम ख़ास बात ये बताना भूल गए कि हमने अलग अलग इसलिए बनाया, ये आम का पेस्ट आप एक महीना तक फ्रिज में रख कर इसको कभी भी बना सकते हैं, ये आप ऐसे बना के रख लीजिए। और ये पुदीने का पेस्ट जो चीनी के साथ हमने बनाया, इसको दो से तीन दिन चार दिन से ज़्यादा मत रखिएगा फ्रिज में, क्योंकि पुदीने का कलर चेंज हो जाता है और महक भी बदल जाती है। अभी तो ताज़े ताज़े पुदीने की महक आ रही है। अब इसको हम सर्व करने के लिए ये देखिए दो पुदीने की पत्तियों से सजा, ये ऐसे सजा के सर्व करेंगे। ये बहुत ही हेल्दी है आम का पन्ना, एक बार आप घर में ज़रूर बनाइए, ट्राई करिए, बच्चों को पिलाइए, दोस्तों को पिलाइए, और ये गर्मी का मौसम है, लू लगने से आपको बचाएगा। और ये हमारे क्या कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक करिए, डिसलाइक करिए, नहीं पसंद आता तो